आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है और जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए रास्तों को सीधा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन तक जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयां की, हमें परमेश्वर ने रात भर संभाला, सुबह की रोशनी दी, एक और नया दिन दिया। आज के दिन के लिए, समय के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की सुबह को नहीं देख सके, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है, उसका अनकंडीशनल प्रेम है, अगाप्पे प्रेम है कि हमारा परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा एक और नए दिन में ले गए। इसलिए सभी जन कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और जो सर्वदा युगानुयुग जीवित है और जो हर पल हमारे बोझ को उठाता है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है और हमें आराम और शांति और तसल्ली देता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के दिन को पहले से ही कलीसिया परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने आने जाने मार्गों को, आज आप कहीं भी जा रहे हैं तो आज आपको अपने जाने को, अपने आने को और वहाँ पर जो आप काम करते हैं उसको आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज आपका किसी के साथ डील है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने नहीं तो अपने कोर्ट केस के लिए जाना है, आपने कहीं भी जाना है, किसी काम के लिए जाना है, गुड न्यूज़ आपको मिला है, आपने उसके लिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए हालेलुया अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, आज सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के सम्मुख आएं, क्योंकि वे अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। वो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जब आप अपने जीवन में अपने सारे बातों को, अपने सारे जीवन की हर एक परिस्थिति को, हालात को जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, छुड़ाता है, वो हमारे अंग संग रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है और हमें जयवंत बनाता है। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा आधार है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारी शांति है, ज्योति है और हमारी महिमा है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, वे मनुष्य में वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। नम्र हृदय और खेदित लोगों के लिए वह उनके संग वास करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। टूटे हुए मन को वे ग्रहण योग्य ठहराता है। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमें रात भर संभाला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को विजन दिया, दर्शन दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके बड़े फसल के द्वारा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर के निर्दोष लहू के लिए आज उसका धन्यवाद करें, जो उसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को आया, इसलिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपने उत्तम बातें कहने वाले परमेश्वर के लहू की आज तारीफ करें, उसकी उस्तत, उसकी महिमा करें, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, वे पापियों को उनके अपराधों से क्षमा करता है, गुनाहों से क्षमा करता है, गलतियों से, अपराधों से वो क्षमा करता है। आज उस क्षमा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने अपने सिंहासन को स्तुतियों में विराजमान किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी स्तुति से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे धर्म में और हमारे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने से हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी, दयावंत, दयालु हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। करुणा निधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत और बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। अद्भुत युक्तियों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमारा परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, दयावंत है, आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हमारी दाहिनी ओर हमारी आड़ है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, वो हमारी सहायता है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारी ढाल है, मजबूत चट्टान है, दृढ़ गढ़ है, हमारे छिपने का स्थान है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो उत्तर देता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, आसमान और धरती को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आज के दिन तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयों को किया है, आशीषों को किया है, तमाम परमेश्वर ने हमारे जीवन में ब्लेसिंग
को ठहराया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें बीमार पड़ने से परमेश्वर ने चंगाई दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें रिहा किया, छुड़ा लिया, बचा लिया, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में सबको सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वे आज हमें चुराने के लिए इस सुबह के समय में हमारे बीच में हैं। हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए वो हमारे बीच में है। आज कितने जन है जो सबसे पहले अपने समय का दशवांत वो परमेश्वर को दे रहे हैं, सबसे पहले वो परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, सबसे पहले वे परमेश्वर के निकट आए हैं, ताकि हमारा परमेश्वर जो अपने वायदों को पूरा करते हुए वो हमारे निकट आना चाहता है। आज कितने जन है जो सबसे पहले परमेश्वर के निकट आए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है। वह मनों को जाँचने वाला परमेश्वर है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है, सहायता करता है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें अपने घर के लड़ाई झगड़ों को, हर एक हालात को, परिस्थितियों को, आज अपनी बीमारी वाले हालात को, अपने गुप्त रोगों को, अपनी पर्सनल बातों को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आपको जो बार बार धोखा मिलता है, जो बातें आप मनुष्य से नहीं कह सकते, आज आपको परमेश्वर से कहना है और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हालेलुया, और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की वह ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। हो सकता है कि आज आपने किसी रिपोर्ट के लिए जाना हो, टेस्ट के लिए जाना हो, आपके जीवन में कर्जे हैं, उसको लेकर परेशान है। आज ऐसी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी रिपोर्ट्स को, अपने टेस्ट को, अपनी अपॉइंटमेंट्स को, अपने इंटरव्यू को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने टेस्ट को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो टेस्ट जिसकी आप तैयारी कर रहे, वो एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे, आज समय है कलीसिया परमेश्वर के हाथों में अपने लाइफ के हर एक हिस्से को देने का, जहाँ पर आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आज उन्हें भी परमेश्वर की हजूरी में जोड़ें, आज उन्हें कनेक्ट करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आप कमज़ोर हो सकते हैं, आज इसी कमज़ोरी के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और अपनी कमज़ोरी की हालत को प्रभु के हाथों में दें। कर्जों को, अपनी परेशानियों को, अपनी दर्द को, बीमारी को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। वह हमें पुलाता है, वह हमें छुटकारा देना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में हर एक हमारी ज़रूरत को वह पूरा करता है, हमारे बोझ को उठाया परमेश्वर ने, हमें आराम, शांति और तसल्ली दिया, इसलिए परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, क्योंकि वह आज एक बार फिर से हमें आराम देना चाहता है, वह शांति देना चाहता है, हमें हर प्रकार की और चारों दिशाओं से वह शांति से भरना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपनी खुद की शांति दी है। जैसे संसार, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे संसार शांति देता है वैसी नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति दिए जाता हूँ। और सच में परमेश्वर ने हमें अपनी शांति से भरा है, वही परमेश्वर की शांति है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है और हमें शांति दिए हुए, हमें आराम दिए हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम अपने परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनकंडीशनल प्रेम को देखते हैं, तो वो सच में महान है। हालेलुया, हम बेवफा हो जाते पर हमारा परमेश्वर हमें बाहें फैला के अपने सीधे हुए हाथों से फिर से बुलाता है कि ये मेरे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, तू भटक गई थी, आ तू लौट के आ, मैं आज भी तेरे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इसे जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 15 अध्याय और उसका 11 वचन से जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम इस परमेश्वर के वचन में पढ़ते कि एक
मनुष्य उसके दो बेटे हैं, उसमें से जो छोटा है वो अपने अपने बाप से कहता है, अपने पिताजी से कहता है कि हमें हमारी संपत्ति को बांट दो, और पिता अपनी संपत्ति को अपने दोनों बेटों में बांट देता है। छोटा बेटा कुछ समय के बाद वहां पर अपने पिता के घर में रहने के कुछ समय के बाद अपनी संपत्ति को लेने के बाद, बंटवारे को लेने के बाद, जो कुछ उसके हाथ में आया उसे लेने के बाद कुछ समय के बाद वह दूर देश को चला जाता है, और वहां पर वह अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है। कुछ समय के बाद वहां पर अकाल पड़ता है, तो वहां पर उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर, हमारी चिंता, हमारी फिक्र करता है, हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया, थैंक यू जी। इसलिए हम क्या है, हम कई बार परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है, वो हमें फिर से अपने पास बुलाता है। जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और ठीक इसी परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि जब उस बेटे को, छोटे बेटे को, जब उसका सब संपत्ति उड़ जाती है, यानी कि सब समाप्त हो जाता है, तो उसे सुअर चराने के लिए एक जॉब दी जाती है, और उसको कहा जाता है कि जो सुअर फलियां खाते वही उसको खाना है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं और वह पेट भर खाना खाते और मैं यहाँ पर क्या खा रहा हूँ। तब वो रियलाइज़ करता है और वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊँगा और कहूँगा कि मेरे पिताजी मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख। तब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसके जीवन में क्या होता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। जब वो रियलाइज करता है, बेटा, छोटा बेटा जब रियलाइज करता है तो अपने पिता के पास लौट जाता है, और हम देखते हैं कि उसका जो पिता है वो क्या है, वो इंतजार में है। हालेलुया, आज हमारा परमेश्वर भी हमारे इंतज़ार में है, उन लोगों के इंतज़ार में है जो परमेश्वर से दूर चले गए, उसकी महिमा से दूर चले गए। आज भी परमेश्वर हमारे इंतज़ार में खड़ा है, हालेलुया, रास्ते में खड़ा है, वो बाहर खड़ा है, वो हमें बुलाता है, वो हमें आज़ाद करने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए। हालेलुया, जब हम देखते हैं कि जब अपने पिता के घर में जाता है तो उसका पिता उसे दूर से ही देख लेता है, और वह अपने पिता को क्या कहता है कि पिताजी मैं इसे योग्य नहीं रहा कि अब तेरा बेटा कहलाओ, और मुझे वो क्या कहता है कि मुझे माफ कर क्योंकि मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के स्वर्ग के विरोध में क्या कहता है कि मैंने पाप किया है। तो उसका जो पिता है उसको प्रेम करता है। आज हमारा परमेश्वर भी हमें प्रेम करता है, और उसने हमारी अच्छी से अच्छी वस्तुओं को रख छोड़ा है, उसने हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करने वाली ब्लेसिंग को रख छोड़ा है। वो ब्लेसिंग, वो अद्भुत कामों वाली ब्लेसिंग जिसे देख करके और लोगों के जीवन में उद्धार आता है और लोग भी परमेश्वर में मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, रख छोड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि आज आप परमेश्वर से दूर चले गए, पर वो क्या है, वो हमें पुकार रहा है, वो आज भी हमारे इंतज़ार में है। इसलिए जब हम इस वचन में देखते हैं तो हो सकता है कि उसका पिता रोज अपने बेटे का इंतज़ार करता हो, अपने घर से दूर आकर के, हो सकता है अपने घर से बाहर आकर के अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन मेरा बेटा लौट आएगा, एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा अपने घर में। और ठीक उसी तरह से आज हमारा परमेश्वर भी उन लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनके लिए वो खड़ा है अपने हाथों को फैलाते हुए, जो आज परमेश्वर की महिमा से दूर है, जो आज उसके अनुग्रह से दूर है। हालेलुया, पहले परमेश्वर के भवन में आते थे, अब नहीं आते हैं, पहले परमेश्वर के साथ संगति करते थे, आज नहीं करते हैं, पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, मेडिटेट करते थे, परमेश्वर से वो पूछते थे, सब अगुवाई मांगते थे, आज नहीं मांगते हैं, आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज वचन को नहीं पढ़ पा रहे। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वो आज आपके जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपके जीवन में वो
अद्भुत और बड़े कामों को करने के लिए, आपको बड़ी कमाइयों के साथ खड़ा करने के लिए, आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए, आपको बंधुआई से आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए, आपकी रिपोर्ट्स को वो सही करने के लिए आज वो हमें बुला रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, आज एक मन हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हमारे जीवन में सब कुछ सही करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु इस समय आपके सम्मुख हैं, वो भटक गए हैं परमेश्वर, दूर चले गए, आज परमेश्वर वो आपके सम्मुख आए। प्रभु यीशु जी, उनके जीवन को एक बार फिर से अपने प्रेम से भर दीजिए, उनके जीवन को एक बार फिर से अपनी करुणा से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपनी दया से भर दीजिए। परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक जन परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आते और जाते हैं, आपका बड़ा अनुग्रह इनकी अगुवाई करे, आपका अनुग्रह इनकी अगुवाई करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर पिता, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक जनों की मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। प्रभु यीशु जी, अपने घर में सही तरीके से रहने का परमेश्वर इन्हें प्रभु आत्मा देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनकी अगुवाई करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उसके लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वो पवित्र आत्मा जो सहायता करता है, जो मदद करता है, जो रास्तों को क्लियर करता है, जो हमारे उठने बैठने चलने फिरने में हमारी मददगार है। आज परमेश्वर में एक बार फिर से अपने उसी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आज जितने जन फास्टिंग में परमेश्वर, हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करना, अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करना, ब्लेसिंग के साथ भरने के लिए परमेश्वर पिता, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने लोग आज अपने घरों को ढूंढ रहे हैं, थैंक यू जीसस, रेंट पे रहते हैं और अपने लिए घर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत इंतजाम कीजिए, अद्भुत इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर जो कुछ ये इनकी सोर्स से बाहर है, प्रभु आपका वचन कहता है कि वही आप हमारे जीवन में करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, वही आपने हमारे लिए करने के लिए ठहराया। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेस्ट इंतजाम, बेस्ट इंतजाम, बेस्ट इंतजाम परमेश्वर के जीवन में होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो घर में परमेश्वर फंक्शन रखा है, उसके लिए रुपए पैसे की कमी है, आज प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारी कमियों को दूर करके घटियों को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप अपने खोजियों को, जो परमेश्वर आपके सम्मुख बैठते हैं, जो आपको पुकारते बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, उन्हें कभी लज्जावान नहीं होने देते, उनके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग रूपी भंडार को खोले और उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। बेस्ट इंतजाम परमेश्वर के लिए करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। जितने भी ट्रैवलिंग में जाते हैं परमेश्वर, आपके स्वर्ग दूत इनके साथ जाए। आज हम पिता परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु अपने दूतों को कमांड कीजिए परमेश्वर पिता, जितने भी जाने समय आपके सम्मुख है और आज रास्तों में जाना है प्रभु, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, किसी जरूरी काम के लिए जाना है प्रभु, आज आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, आज आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से प्रभु इनकी अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके आज इंटरव्यू है परमेश्वर, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करना, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना, जो अपने कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जो अपने ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आने जाने में परमेश्वर अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक घुटनों की दर्द से आजाद कीजिए, हाथों की दर्द से आजाद करने के लिए परमेश्वर पिता आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सर दर्द से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या आज यीशु नासरी के नाम से आपके छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर से जाए, इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें माइग्रेन की वजह से लगातार सर में दर्द रहता है, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम से, ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, हमारे परमेश्वर का नाम बड़ा है, आज हम प्रार्थना करते हैं ये बीमारी आपको छोड़ के जाए, ये बीमारी परमानेंट यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए। जो अपने बिजनेस में अप एंड डाउन को देख रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से स्टेबल हो जाए आपका बिजनेस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप प्रतिफलों को लेके आएंगे, यीशु के नाम से आप अपने बिजनेस के जरिए प्रतिफलों को लेके आएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आपका बिजनेस प्रतिफल लेकर के आएगा, वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही चला जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खोए हुए बिजनेस परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, टूटे हुए रिश्तों को रिस्टोर की
दीजिए, फिक्स करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे विनती करते हैं, जो आपकी ओर से परमेश्वर वो फिर से जुड़ जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जो लेडीज जो गर्ल्स अपने माइकों में रहते हैं आज प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उनकी सुधि लीजिए, उनके इस दुखी हृदय की सुधि लीजिए, उनके हस्बैंड उनके ससुराल वाले वापिस आए और इन्हें अपने घर लेके जाए, और इन्हें अपने घर लेके जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो अपने वेट को लेके परेशान है, जो कम वेट उसको लेके परेशान है, जो बढ़ते हुए वेट को लेके परेशान है, जो घटते हुए वेट को लेके परेशान है, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर का सामर्थ आपको छुए और आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से, आप उसकी सामर्थ से छुए जाए और परमेश्वर का सामर्थ आज आपको आजाद करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर पल अगुवाई करे, आपके लिए मार्गों को खोले, हर एक दर से आजाद करे, नसों की दर से आजाद करे, नसों की ब्लॉकर्स इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, सिस्ट ट्यूमर स्टोन यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से, यीशु का नाम सुनो उनके शरीर से बाहर आ, बाहर आ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, स्टोन पे यीशु के नाम से बाहर आ वैडी चिल्ड्रन के शरीर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो क्लॉट है आपके शरीर के अंदर हम प्रार्थना करते वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनकी बॉडी में कीड़े पड़े हुए वॉर्म्स हैं आज हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्लियर हो जाए आपके शरीर, क्लियर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक कीड़ा आज आपके शरीर से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे और आज आपके जख्म बढ़ गए हैं, हालेलुया आज हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यदि आज आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके घाव सूखने जा रहे हैं अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, घाव सूखने जा रहे अंदर और बाहर शरीर का घाव आज यीशु के नाम से सूख जाए, डायबिटिक फुट आज सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हड्डियों के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप आज यीशु के नाम से भर जाए, जिन्हें कम दिखता है, धुंधला दिखता है, जब दिखता नहीं आज यीशु के नाम से वो देखने लगे, जिन्हें सुनाई नहीं देता यीशु के नाम से वो सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते आज यीशु नासरी के नाम से वो बोलने लगे। थैंक यू जीसस, हर एक गांठ आज आपके शरीर से गायब हो जाए, हर एक गांठ आज यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर से गायब हो जाए। थैंक यू जीसस, जो ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा डॉक्टर्स को, हर एक जनों को, हर एक वर्कर्स को, हर एक हेल्पर को आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अगुवाई करे और आपके ऑपरेशन आज सक्सेस होने पाए, ऑपरेशन आज सक्सेस होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी से धन्यवाद यीशु, खोई हुई चीजें, खोए हुए बच्चे, हालेलुया जो मिसकैरेज हो गया आज हम प्रार्थना करते प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपको दुगने भाग से वापिस मिलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको दुगने भाग से वापिस मिलने पाए, आपकी निराशाओं से प्रभु आपका आजाद करे, आपके दुख को आज परमेश्वर अपने बड़े आनंद से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, आज हम प्रार्थना करते कि आपके जीवन का हर एक दुख आज बड़े आनंद में बदल जाए। थैंक यू जीसस, आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर दे, आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपने अनकंडीशनल प्रेम से भर दे, अपने अनुग्रह से भर देने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आज जो बच्चे अपने स्कूल जा रहे परमेश्वर पिता उनके आने जाने मार्गो में मदद करना, अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए परमेश्वर मदद करना, आज विजडम देना परमेश्वर हम आगे प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को। हालेलुया, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर हम अपने बच्चों के लिए प्रभु जी आपसे विजडम मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर पिता, इन्हें बुद्धि देने के लिए परमेश्वर हर एक बच्चों को जो इस समय आपके सम्मुख है, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, अपने बच्चों का नाम लेकर के प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके बच्चों को विजडम दीजिए। यदि कोई बीमार है तो प्रभु आज आपकी सामर्थ्य से वो चंगा हो जाए, आज यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। यदि कोई दुखी है तो बड़ा आनंद आज इनके जीवन में उतर जाए, बड़ी गवाहियां आज इनके जीवन में उतर जाए, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हर एक लाचारी बेबसी कमजोरी आज यीशु के नाम से जाए, जाए हर एक तरह की कमजोरी छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कीजिए और अपने लोगों को अपने बल से भर दीजिए, अपने बल से भरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, हर एक एलर्जी से आज यीशु का नाम आपको आजाद करे। थैंक यू
जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो पस बार बार आपके शरीर में आता है, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो छोड़ के जाए, जाए आपके शरीर को छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के आपके शरीर को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इनके जीवन में पूरा कीजिए। जो परमेश्वर फॉरन जाने में रुकावटें हैं प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वीजा के साथ ब्लेस कीजिए, वीजा के साथ ब्लेस कीजिए। जो लंबे समय से फाइल लगी है, अभी तक ओपन नहीं हुई, अभी तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, आज हम प्रार्थना करते कि उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, आपकी फाइल का प्रोसेस यीशु के नाम से स्टार्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी दर्द से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कमर की दर्द से आजाद कीजिए, हर एक ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आज परमेश्वर आपके जलाली नाम से प्रार्थना करते हैं, चंगा कीजिए और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके गली मोहल्ले को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों की रखवाली करने का बानी करना, आज के दिन पूरा दिन संभाल के रखना, आने जाने मार्गों में मदद करना, बड़ी अगुवाई के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना को परमेश्वर ब्लेस करना, जितने जन आते परमेश्वर पिता हालेलुया आपके भवन में, आज परमेश्वर वो सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए, आने वालों के रास्तों को खोल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सब इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, उद्धार दे दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सभी जन कहें आमेन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। जिन्होंने हालेलुया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, मसीह गीत एचडी को रिकॉर्ड एवं चर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, और सभी को बताएं, जिन्हें करना नहीं आता आप उन्हें करके दें। जिन लोगों के जीवन में गवाही आई, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्रेयर सेंटर के नंबर पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। हालेलुया, अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए लगातार याद रखें, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।